आगे बढ़ते हैं खबरों में। सरकारी दावों के मुताबिक वैसे तो छत्तीसगढ़ विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और चर्चा देश में मॉडल राज्य के रूप में हो रही है, लेकिन आदिवासी महिलाओं और बच्चों की बढ़ती मौत के आंकड़ों ने सरकारी दावों की पोल भी खोल दी है। कैसे, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजाति क्षेत्रों में महिलाओं बच्चों नवजात की मौतें काफी बढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ में वो अभी भी कम हुआ नहीं है। उसी तरह है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो, जो कि भारत में एवरेज कम हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो आज भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं और बच्चों की मौत के मामले पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। राज्यसभा में आदिवासी महिलाओं नवजात बच्चों की मौत का मामला रामविचार नेताम ने उठाया था। सांसद रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिलाओं और बच्चों की कुपोषण और अन्य बीमारियों से हुई मौत के मामले में जानकारी मांगी थी। वहीं राज्यसभा में जो जवाब के तौर पर आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाते भी हैं और सवाल भी उठाते हैं। जवाब में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में बीते 3 साल में महिलाओं और बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बच्चों और नवजातों की मौत की संख्या साल 2018-19 में नवजातों की मृत्यु 1494 थी, जो कि साल 2019-20 में बढ़कर 2089 तक पहुंच गई। वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा 3690 तक पहुंच गया। इसी तरह से साल 2018-19 में शिशुओं की मृत्यु 1176 थी, जो कि साल 2019-20 में बढ़कर 1448 तक पहुंच गई। वहीं साल 2020-21 में आंकड़ा 2719 तक पहुंच गया, जबकि बाल मृत्यु दर साल 2018-19 में 739 थी, जो कि साल 2019-20 में बढ़कर 788 तक पहुंच गई। वहीं साल 2020-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 932 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिलों में गर्भवती महिलाओं की मौत की संख्या साल 2018-19 में 176 थी, जो कि साल 2019-20 में बढ़कर 185 हो गई। वहीं साल 2020-21 में यह आंकड़ा 189 तक पहुंच गया। इसी तरह साल 2020-21 में गर्भवती महिलाओं की मौत सर्वाधिक बस्तर और बलरामपुर में 27-27 हुई। मौत के पीछे का कारण ज्यादातर अन्य ही रहे। कुछ एक मौत प्रसव में रुकावट और हेमरेज के कारण भी रहे। जिलेवार आंकड़ों पर एक नजर डालें तो साल 2020-21 में 0 से 28 दिन तक के नवजातों की मौत सर्वाधिक सरगुजा में 1085 और बस्तर में 752। मौत के पीछे का कारण सेप्सिस, एस्फिक्सिया और अन्य बताए गए। वहीं 29 से 12 महीने तक के शिशुओं की मौत सर्वाधिक सूरजपुर में 361 और सरगुजा में 354। मौत के पीछे का कारण निमोनिया, बुखार, खसरा और अन्य कारण बताए गए, जबकि 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों की मौत सर्वाधिक सरगुजा में 168 और बस्तर में 120 में। तो मौत के पीछे का कारण निमोनिया, बुखार, खसरा और अन्य बताया गया। आंकड़ों के बीच सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर मौतें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राज्यसभा में सवाल पूछने वाले राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के इलाके में ही हुई है। इन तमाम मौतों को लेकर एक बार फिर सुनिए राज्यसभा में बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती ने क्या कुछ कहा। इन क्षेत्रों में खास करके जो बलरामपुर जिले हैं, कोड़ा कोरवा जाति, पहाड़ी कोरवा, पंडो जनजाति, इसी प्रकार से बाकी प्रदेश में स्थिति है महोदय। क्या माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन क्षेत्रों में हर साल इस तरह की बीमारियों के चपेट में लोग आते हैं, क्या यहाँ के लिए कोई स्पेशल टीम भेज करके वो इसकी जांच करवाएंगे और उस जांच रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई करना चाहेंगे। धन्यवाद। जैसे कि राज्य सरकार ने भी कुछ जो योजनाएं है, अलग अलग योजनाएं है, माल न्यूट्रिशन से लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन डायरेक्ट कॉज नहीं है, लेकिन बाय रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इट कैन कॉज द इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। सर, ये रिस्क इंक्रीज होती है
प्रेगनेंसी में, और छत्तीसगढ़ में ये 7% इसका इन्फेक्शन का रेट आया है। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार ने ये इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देना चाहिए। वहाँ पे देखा गया है कि एंटीनेटल चेकअप जो कि वो भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन लगातार वो भी कम होता जा रहा है। रामविचार नेताम ने स्पेशल टीम भेजकर जांच करवाने की मांग की, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने जरूरत पड़ने पर टीम भेजने की बात कही। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां काम बेहतर करे, जो कि नहीं हो रहा है। वहीं इन आरोपों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिरे से खारिज कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कुछ है ही नहीं, छत्तीसगढ़ सभी क्षेत्रों में अग्रणी है। देखिए, लोकसभा में तो लोकसभा का उत्तर मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां तक के बात है कि सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ अग्रणी है। वैसे आंकड़े भी तो यही बता रहे हैं कि राज्य अग्रणी है। खैर, केंद्र से लेकर राज्य तक नेताओं के बयानों को सुनकर यही कहा जा सकता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर।